अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तजम्मल है और ये है आज की हमारी टेक न्यूज़। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत लेट हो चुके हैं, स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज़ को। पहली टेक न्यूज़ की बात करें तो पहली टेक न्यूज़ आ रही है पीफो फ़ोन की तरफ से, और मैंने जैसे आपको कहा था कि भाई बहुत जल्द वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, तो वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। ऊपर आई कार्ड में भी आपको लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और जस्ट इतना ही बताना था, हमने फेस रिवील कर दिया है और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो जिनका आंसर किया मैंने, तो भाई जिसने नहीं देखी देख लेना। आज की टेक न्यूज़ में बहुत सारी भाई न्यूज़ सैमसंग की तरफ से है, तो भाई सबसे पहले आपको सैमसंग की एक नई सीरीज़ के बारे में बता दूं। भाई गूगल प्ले कॉन्सोल पर एक नई सैमसंग की सीरीज़ लिस्टेड हुई है जो कि F सीरीज़ है। इसमें आपको सबसे पहले F41 देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। जैसे इतना ही अभी कंफर्म है कि F सीरीज़ आ रही है और उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। बाकी जब डिटेल आएगी तो आपको किसी टेक न्यूज़ में लाजमी बताएंगे कि F सीरीज़ में आपको कौन कौन से और स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। सैमसंग का A51 ग्लोबली भाई सबसे बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है, और भाई A51 का सक्सेसर A52 भाई बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, और इसकी कुछ लीक्स बाहर आ चुकी हैं जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। जो पुराने वाला था A51 उसमें 48 मेगापिक्सल का था, और ये कहा जा रहा है कि इसमें आपको एक्जिनोस का वही चिपसेट देखने को मिल सकता है। अब जब ज़्यादा स्पेसिफिकेशन इसकी बाहर आएंगी, क्योंकि ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आता है तो ज़्यादा वीडियोज आता है, तो भाई ऐसा ही सीन है भाई, बहुत जल्द आपको टेक्निक में बता देंगे। सैमसंग गैलेक्सी A01 का बड़ा भाई गीकबेंच पे लिस्टेड हो चुका है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A02 है। नोट कमिंग स्लो सैमसंग, क्योंकि भाई हर फोन का सक्सेसर इनका बहुत जल्द आने वाला है, और ये कहा जा रहा है कि A02 में आपको स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 2GB की रैम होने वाली है, स्टोरेज अभी कंफर्म नहीं है, बाकी अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 2GB रैम होगी इतना कंफर्म कर दिया गया गीकबेंच के थ्रू। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी आपको किसी टेक न्यूज़ में लाजमी बताएंगे। आज सैमसंग पाकिस्तान ने सैमसंग गैलेक्सी M31 को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। 6GB 128GB के साथ में आपको प्राइस पाकिस्तान में 48,000 रुपये दी गई है, और भाई ये ऑनलाइन अभी द्राज पर अवेलेबल है, ऑफलाइन मार्केट में नहीं है। भाई ऑफलाइन मार्केट में करते तो इतने का आता, तो फिर फ़ायदा क्या यार ऑनलाइन देने का, ऑफलाइन ही ले आओ इसको। ऑनलाइन देना तो भाई 40-42 हज़ार का लाओ भाई, अच्छा खासा सेल होगा, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा भाई। 40-42 हज़ार इस फ़ोन के लिए भाई राइट प्राइस टैग है। भाई ऑफलाइन मार्केट में अगर तुम इतने का लॉन्च करते हो तो भाई समझ भी आता है कि तुमने और भी खर्चे निकालने होते हैं। भाई ऑनलाइन में क्या है यार, इंडिया में ऑनलाइन एम सीरीज सेल होती है भाई, इतनी कम प्राइजेज है, ऑफलाइन मार्केट में से भी कम प्राइजेज आपको ऑनलाइन देखने को मिलती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और पाकिस्तान में कुछ न्यू ट्रेंड सेट करने की ज़रूरत है हमें। देखा ना आपने अपनी लापरवाही का नतीजा, लापरवाही करते तो ऐसे ही होता, फिर प्राइजेज घरानी पड़ती हैं। तो भाई सैमसंग ने M11 और A11 की प्राइस को पाकिस्तान में कम कर दिया है। A11 की बात कर तो इसकी पहले प्राइस पाकिस्तान में 2GB 32GB के साथ में 21,000 रुपये थी, जो कि अब 19,000 रुपये कर दी गई है, और M11 की प्राइस पहले पाकिस्तान में 3GB 32GB के साथ में 28,000 रुपये थी, अब इसकी प्राइस पाकिस्तान में 25,000 रुपये कर दी गई है। राइज प्राइस टैग की बात करूँ तो 2GB 32GB A11 15,000 से 16,000 का होना चाहिए, और M11 3GB 32GB 21,000 से 22,000 का होना चाहिए अगर सैमसंग की मानी जाए। थोड़ा सा सैमसंग को भी बेनिफिट दे देते हैं, बनता तो 20,000 का है, बट 21,000 प्राइस टैग आपके लिए अच्छा है सैमसंग वालों, अगर आप निकाल सकते हैं तो। 23 सितंबर को रियलमी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जो कि सी सीरीज़ का है, जो कि C17 है। बात करें स्पेसिफिकेशन की, इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 6GB की रैम है, 128GB की बिल्ट इन स्टोरेज है, स्नैपड्रैगन का 460 का प्रोसेसर होने वाला है। प्राइस की बात करूँ तो 30,000 के नीचे कहीं हो सकता है, और 23 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। अब ये 23 को ही बता पाएंगे आपको प्राइस क्या होने वाली है इसकी पाकिस्तान में। टेक्नो स्पार्क्स भाई 21 सितंबर को पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है, और बहुत जल्द आपको इस चैनल पर अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाएगी ऑफिशियली, तो भाई मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको बहुत जल्द टेक्नो स्पार्क्स की अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पर देखने को मिल सके। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और भाई जिसने वो फेस रिवील वाली वीडियो नहीं देखी जाके देख लेना, ऊपर मैंने भी फर्स्ट पे आपको लिंक दे दिया था, देखना हो तो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।